नालचा क्षेत्र के प्रसिद्ध रामपाल की धाम के ब्रह्मलीन संत श्री 1008 सर्वेश दास जी महाराज की प्रतिमा का नालचा नगर में भव्य चल समारोह निकाला गया। संत श्री की प्रतिमा को रामपाल की धाम पर शिवरात्रि पर्व पर स्थापित भी किया जाएगा। नालचा नगर में निकले भव्य प्रतिमा चल समारोह पर बैंड बाजे घोड़े ऊंट डीजे के साथ एक बग्गी पर संत श्री के फोटो को झांकी स्वरूप में सजाकर प्रतिमा के साथ नगर भ्रमण करवाया गया। उक्त आयोजन में बड़ी संख्या में नगर और क्षेत्रवासी चल समारोह में सम्मिलित हुए और डीजे ढोल ताशों पर नाचते महिलाओं पुरुषों द्वारा भजन की प्रस्तुतियों के साथ गरबा नृत्य भी किया गया, जिसमें भजन गायक क्षेत्रीय कलाकार जितेंद्र द्वारा भजन की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां भी दी गई। चल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक पाचीलाल मेड़ा, मांडव राम मंदिर संत नरसिंह दास जी महाराज भी मौजूद रहे। गुरुदेव महाराज की जय। जिन पात्रों में अंजलि मोबाइल है। तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुदेव की प्रतिमा का नगर भ्रमण करके कराया गया, जो कि पंचमुखी हनुमान मंदिर नालचा से प्रारंभ होकर पूरे नालचा नगर में भ्रमण करते हुए रामपाल की धाम में पहुंचा है, जिसमें अनेक प्रकार के रथ घोड़ा बग्घी एवं नगर एवं आसपास के सभी दूर के प्रवासी गुरु भक्त गुरु भाइयों द्वारा भव्य चल समारोह निकाला। ये शिवरात्रि महोत्सव गुरुदेव का जन्म उत्सव, जो कि शिवरात्रि के दिन हम सब भक्तगण मनाते हैं मिलकर, उसी दिन गुरु जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तीनों दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम है हमारे यहाँ पर। आज हवन पूजन, कल सुंदरकांड संगीतमय सुंदरकांड एवं परसों भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। प्रतिमा 3 फीट की प्रतिमा है और 3 फीट करीब कमल है इसमें, 5.5 से 6 फीट के बीच में ये है प्रतिमा। कितने दिन आयोजन चलेगा? ये 3 दिन आयोजन चलेगा, 19, 20 और 21 तारीख को। 21 तारीख को पूर्णाहुति के साथ में प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम होगा। इससे महाराज जी के यहाँ पर जो समाधि स्थल है उस पर काफ़ी समय से प्रतिमा का था।